यू मीन हमारे खाने में दोष है? इसको हम अपने नारियल को फोड़ेंगे अपने हाथ से। डाइट प्लान में दोष है? रबड़ी रस मलाई अलग नहीं है, एक ही डिश है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय वंडरफुल ब्यूटीफुल वेट लॉस जर्नी। और मैंने सुबह सुबह पानी की एक बॉटल ऑलरेडी निपटा दी। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड। माई फ्रेंड्स आर एट होम एंड सो द ब्रेकफास्ट हैज टू बी स्पेशल। और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है साउथ इंडियन। सो तो मैं अपने 200 ग्राम्स फ्रूट्स लूंगी। डन। गुड मॉर्निंग। सांबर बन रहा है। इसको हम अपने नारियल को फोड़ेंगे अपने हाथ से। ये सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी फास्ट पहली वाली बात है जो नारियल कैसे तोड़ा जाए। तो हम आप लोग फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। निर्मल, अरे भाई गजब। ग्रेट बात होती है, मतलब बड़ी दिमाग की बात होती है। ये पहले टूट चुका है। क्या पहले टूट चुका है? पहले से तोड़ चुका है। उसमें बात लोगों को बात पहुंच जाएगी, शेयर नहीं करेगी। अरे ये क्या कर रहे हो विकास? आसिफ करने के लिए। तो इससे चिपकता नहीं है? नहीं चिपकता। चलो देखते हैं, दिखाओ। और इतने से घी में बन जाएगा? घी तो डालने नहीं, बिल्कुल सही। बिना घी के भी बन जाएगा? क्या बात है, अरे वाह। स्टफिंग है? स्टफिंग है, आलू प्याज कड़ी पत्ता जीरा। काफी लगा रही हूँ मैं, जब तक दिखाती हूँ कि सांबर। ये रहा हमारा सांबर भी तैयार है और ये हमारी चटनी भी रेडी है, हरी वाली चटनी भी रेडी है। थोड़ा क्रिस्पी बनाना, क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो कड़क बनेंगे ना? हाँ हाँ वही कड़क। ठीक। अरे वाह यार, बिल्कुल बिना घी का ये? बिल्कुल बिना घी का यार, सही में मेरी आंखों के सामने बनाए बिना घी का। अमेजिंग। तो गाइस, जैसे भी आपने देखा कि विकास हमारे मास्टर शेफ ने इतना बढ़िया ये डोसा बनाया और साथ में हमें डोसा बनाने की कितनी अच्छी ट्रिक भी बताई। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है और अगर आप चाहते हो कि विकास इस पूरे डोसा की रेसिपी अलोंग विद द स्टफिंग एंड सांबर एंड चटनी और ये डोसे की कंप्लीट रेसिपी अगर आपके साथ शेयर करें, तो कमेंट में विकास को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि विकास हमें ये रेसिपी चाहिए। अगर विकास लोगों ने बोला तो बताओगे रेसिपी? हाँ जी, हाँ जी, पूरा डोसा बनाना सिखाओगे? हाँ जी, पूरा रेसिपी। के साथ साथ ये इडली वड़ा उत्तपम वो सब भी बनाना जानते हैं, तो किस चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए विकास को रिक्वेस्ट करो कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स विकास को पढ़ के सुनाऊंगी और अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो क्या पता विकास हमारे साथ कंप्लीट रेसिपी भी शेयर करेंगे। आ जाओ। विकास भाई, इसके बाद हम मेरे वाला बनाएंगे। दो टेबलस्पून नारियल चटनी, 1 teaspoon मिंट चटनी एंड 200 ml सांबर। कौन सी मूवी थी तब्बू और अमिताभ बच्चन की, ग्राम आता था जिसमें शायद? डन। तो ग्राम जिंदगी। 2 tablespoon लेना है पहले, तो 2 tablespoon ले लो। इसलिए ठीक है, हाँ मतलब फिर एक ही डालना है। फैला लो अच्छे से। दिस इज प्लेन डोसा जो कि बराबर का क्रिस्पी लग रहा है मुझे तो। अरे वाह। सो दिस इज माई लंच, 1 plain dosa। अभी एक और आएगा, सो 2 plain dosa, 2 tablespoon कोकोनट चटनी एंड 200 ml सांबर। कैसा बना? अमेजिंग है। अमेजिंग। डोसा का नाम कैसे पड़ा? बहुत हैरानी वाला है। सोच भी नहीं सकते। सीरियसली? हाँ, डोसा इज एक्चुअली हिंदी वर्ड है, दोष, दोषा। ये फर्मेंटेड राइस से बनता है। तो उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले उस टाइम के जो टेंपल के जो प्रीस्ट थे उनको लगा था कि फर्मेंटेड राइस तो हमें इट कैन बी अ सिन, नशा ना हो, इससे हम हाई ना हो, तो ये नहीं खाना, ये दोष है। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? तो ये दोषा है, दोषा, इट्स अ दोष। यू मीन हमारे खाने में दोष है? हमारे डाइट प्लान में दोष है? 6 hours later. So Himish is making coffee for us. और ये रहे मेरे इवनिंग स्नैक्स। एक्चुअली ये रहे। कैसा लगा मेरा मजाक? ये तो, अरे ये तीनों ही मेरे हैं।
ये सब मेरा है, ये तुम्हारा है। मेरी डाइटिंग वाइटिंग खत्म हो तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगी। वैसे इजी नहीं है, ये सब चीजें छोड़ के सिर्फ मखाने खाना किसका मन नहीं करता। ऑफ कोर्स मेरा भी पूरा मन कर रहा है, बट सिर्फ एक ही महीने की तो बात है यार। द पॉइंट इज कि एक महीने के बाद मैं ये समोसे, रसमलाई, ये सब चीजें ऑर्डर कर सकती हूँ। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये कहीं नहीं जा रहे, बट दिस टाइम विल नॉट कम बैक। She's got a point. ये जो मुझे साथ देने वाले थे इनको भी देख लो भाई। तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। इन्होंने आज से 3 दिन पहले क्या कहा था, तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, मेरे लिए समोसा मंगवाते हो, मेरी प्लेट में समोसा डालते हो, मुझे कहते हो समोसा खाओ, मेरे समोसा पकड़ा के जब मैं समोसा खाने लगा तो कहते हो ये देखो मेरे को बंदा समोसा खा रहा है। अजीब, इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। Now come on now. इस तारीख को इसका जन्मदिन। कौन सी तारीख को? अरे अगस्त को, ठीक है। हमने लेकर आना है हल्दीराम की रबड़ी रस मलाई। अलग नहीं है, एक ही डिश है। Oh my God! हाँ। और पूरा पूरा शर्त लगेगी मेरे और इसके बीच में कौन ज्यादा खाएगा। अगर मैंने इस महीने अपना गोल अचीव कर लिया तो मैं उस कंपटीशन के लिए ऑन हूँ। कर लेगी यार, तू खाई खा रही है। कितने साल की रहेगी ऐसे गुजर पूछना नहीं चाहिए। मैं 35 साल ओ हेलो, मैं अगले महीने हो जाऊंगी 24 इयर्स की। महीने 24 की हो जाएगी। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, आप रजनीकांत हो, हम मॉरिशस के बीच पे बैठे हैं। सो गाइस, आज का वर्कआउट है रनिंग विद माय फ्रेंड्स, बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज आर रनिंग एंथुजियास्ट। ये लोग बहुत रनिंग करते हैं, और तुम लोग अपना रनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो। रनिंग यार बहुत मज़ा आता है हमको रन करते हैं। लाइक वी हैव रन अराउंड 20+ मैराथन एंड इट इज द बेस्ट कार्डियो। बहुत मज़ा आता है यार रनिंग करते समय। आज रनिंग हमारे साथ तो गुंजन और हिमेश भी रन करने वाले हैं। मैं वैसे बहुत रनिंग करता हूँ, जब भी गुंजन मेरे आसपास होती है मैं रनिंग करनी शुरू कर देता हूँ। हिमेश नोज हाउ टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रॉम कमिटमेंट, वादों से कैसे भागना होता है। सो आर वी रेडी? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रनिंग के पहले अपने आप को वार्म अप करना, ओके, उस लेवल पे बॉडी को ले आना, सो दैट रनिंग करते समय हमें कोई डिफिकल्टी ना आए। तो पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। Let's begin. We are ready. Should we start? 3, 2, 1. Run. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. क्योंकि वो भाग रही है शायद इसीलिए उसको भाग्यवान कहते हैं। So we are back and बहुत मजा आया। आई टोटली एंजॉयड द रन। ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में पूरे हफ्ते की कैलोरीज बर्न कर ली है। साथ में अंकिता ने मुझे कुछ टिप्स भी दिए, जैसे हमने पहले प्री रनिंग स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद मैंने ब्रीदिंग के बारे में पूछा अंकिता से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इवन वाइल रनिंग, क्योंकि अगर आप ब्रीद नहीं करोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो अगर नोज से कर सकते हो ब्रीद इन ब्रीद आउट तो इट वुड बी बेटर, अदरवाइज आप अपना माउथ भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोस्ट स्ट्रेचिंग। रनिंग करते वक्त मेक श्योर जो आपका रनिंग पेस हो वो आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि आपने तेज भागना है। ऑलवेज स्टार्ट स्लो एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जो 2-3-4 रन है आपके, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आपके बहुत स्लो करने हैं आपने। सो ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे पेस में भी और वो आपके टाइम को भी कम कर देगा। पोस्ट रन स्ट्रेच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बैटल ग्राउंड को भी रन कहते हैं ना, इनको तो आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी, हिंदी में बोल। अच्छा, स्पॉन्च रही है, ओके। और वो रन नहीं कहते, वो रण कहते हैं। रण, रणभूमि, रणभूमि। If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, turn around. Yeah. Guys, मेरे फ्रेंड्स पुष्पेंद्र और अंकिता चले गए हैं एंड अब मैं बनाने आई हूँ डिनर आज के लिए। और डिनर में हम बना रहे हैं अंडा करी, जिसके लिए पहले मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सरसों का
सरसों का तेल, तेल गर्म होने का वेट करेंगे, फिर हम डालेंगे जीरा। और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा रहा। तो कल हम थोड़ा लेट सोए थे और इसलिए आज थोड़ा लेट उठे नीलपुरी की, एंड उठने के बाद हमने अराउंड 9:30-10 बजे फ्रूट्स खाए। तो ब्रेकफास्ट जो ब्रंच बन चुका था उसमें हमने लिया डोसा सांभर चटनी। 12:30-12 बजे के अराउंड हमने ब्रेकफास्ट किया, इसलिए लंच का तो कोई सवाल ही नहीं था। 5 बजे के अराउंड मैंने ली ब्लैक कॉफी, जिसके साथ मैंने लिए मखाने, एंड उसके बाद हम रनिंग पे गए और अब मैं अपना डिनर बना। मेरा लंच स्किप हो गया, विच इज फाइन क्योंकि डे ही लेट स्टार्ट हुआ। लंच में आज मुझे खाना था एग सैलेड और डिनर में था कर्ड राइस। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू हैव कर्ड राइस, में मैं राइस ले लूं, जो 100 ग्राम राइस मुझे लेने थे वो मैं राइस ले लूंगी, और लंच में जो मुझे एग सैलेड खाना था उसका मैं एग बना। इसमें डाल देते हैं लहसुन, लहसुन अदरक, हरी मिर्च, अब ये पकेगा। So I am going to have egg curry and rice. आज भुन गया है, हम इसमें डालेंगे टमाटर। This shot is sponsored by Him Eat Madam. So how many eggs for you? How many are you eating? I'm going to eat 2, one whole, one. I'll eat 3. 3 whole. 3 whole. ठीक है, सो मैं भी सारे होल डाल देती हूँ अपने में से, फिर एक में से योक निकाल लूँगा। सो 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च यूज़ किया है। तो अब इसमें हम डालते हैं मसाले, सॉल्ट। जिस चीज़ ने किया है कमाल वो है मिर्च लाल, और जिस चीज़ को डाला आपने जल्दी जल्दी वो है हल्दी। धनिया पाउडर बहुत ज़रूरी है बिकॉज धनिया पाउडर है कूलिंग इफेक्ट, तो गर्मियों में सब्जियों में धनिया पाउडर डालना ना भूलें। जनरली अंडों को करी बनाने के लिए अंडों को फ्राई करके डालते हैं, तो यहाँ पे मैं वो ऑयल की यूजेज और कंजम्पशन दोनों बचा रही हूँ। बिना फ्राई किए मैं इनको डाल रही हूँ और मैं उनको मसाले में ही थोड़ा सा पका रही हूँ ताकि टेस्ट एग्स के अंदर चला जाए। एंड यू नो व्हाट एल्स वी कैन डू इज हम इसके अंदर थोड़ा सा ना फोक मार सकते हैं, इससे मसाला पोकिंग दो लाइक्स व्हाटएवर बट इससे मसाला एग्स के अंदर घुस जाए। तो हिम्मी यू नो व्हाट, मुझे ना आज मैं अपने व्लॉग के नीचे, कल वाले व्लॉग के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो ऑफकोर्स इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं कि मैं तो मेरा मन गार्डन गार्डन हो जाता है। और एक दो कॉमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक कॉमेंट था, बट प्लीज़ पहले उससे पहले प्रॉमिस करो कि हवा में नहीं उड़ोगे। तो एक कमेंट था, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ करी थी, उन्होंने कहा था मनीष बहुत सपोर्टिव है और आपको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। वेल आई डोंट थिंक सो। वो कमेंट ये था कि यार आपकी तो लाइफ सेट है, आपके पास तो कुक है, आपके पास तो हेल्प है, तो हमारे लिए ये इतना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली आई हैव एन आंसर फॉर दिस। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताइए। मैं अपने ब्लॉग में आपके Q&A कवर करूंगी, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो, कल मैं स्पेशली Q&A के लिए कुछ टाइम निकालूंगी। एक मेरी थोड़ी सी हेल्प और कर देना कि क्वेश्चन के आगे आस्क गुंजन लिख देना, बिकॉज ताकि मैं ढेरों कमेंट्स में से आस्क गुंजन करके सर्च करके आपके क्वेश्चंस को पिक करके और उनके आंसर्स कर सकूं। कोई क्वेश्चन हो वो भी लिख देना। ओह यस, हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू आंसर, डेफिनेटली आपकी सेवा में सतर्क। सो हिमीश के लिए, मेरे लिए कोई भी सवाल हो फील फ्री टू आस्क, वी विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस टू। आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर इन माय अंडा करी। शुगर है, पानी की कैलोरीज नहीं होती, पानी जितना मर्जी डालो। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ढक्कन कहाँ है? ढक्कन पता कहाँ है? सो हियर इज द डिनर। सो गाइज, मैं और हिमीश निकले हैं एक छोटी सी ड्राइव पे, मैं आपसे मिलती हूँ कल। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो। लेटर पूरा।